हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली के अंदर आप किस तरीके से स्टॉक आइटम बना सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं स्टॉक आइटम बनाने के, तो बहुत सारे तरीके आप यूज कर सकते हैं टैली के अंदर स्टॉक आइटम बनाने के लिए। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं आइए आपको दिखाता हूँ। ये आप मैंने टैली प्राइम ओपन किया है। अब टैली प्राइम में अगर हमें स्टॉक आइटम बनाना है तो सबसे पहले तो आपको यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये क्रिएट। तो यहां पर जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पे जाके एंटर करते हैं तो आपके सामने ये मेन्यू खुलती है, लिस्ट ऑफ मास्टर्स खुल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी चीजें इसमें शो होती रहे तो शो मोर पे जा सकते हैं, और फिर शो इलेक्टिव पे जा सकते हैं तो और भी चीजें शो होने लगेंगी। फिलहाल हमारा ये जो वीडियो है वो आज इस बात को लेकर के है कि हम किस प्रकार से स्टॉक आइटम बनाएं। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको मिल जाता है स्टॉक आइटम, तो नीचे आ जाइए नेविगेशन की मदद से और स्टॉक आइटम पे चले जाइए और यहां से आप स्टॉक आइटम बना लीजिए। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, फिर बाहर आते हैं। बाहर आने के लिए आपको स्केप बटन का ही यूज करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वी बटन प्रेस कीजिए और आप परचेज में जाना चाहते हैं परचेज में चले जाइए। तो परचेज में जाने के लिए आपको F9 शॉर्टकट की प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही F9 प्रेस करते हैं आप सीधा एंटर हो जाते हैं परचेज वाउचर में, और एंटर करके नीचे आते हैं। यहां पर आता है सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, ये आ गया। फिर यहां पर एंटर करके नीचे आते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर पार्टी का अकाउंट नेम आपको देना होता है, ठीक है। तो यहां पर जो भी पार्टी आपकी बनती है उसका अकाउंट नेम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करके आएंगे और यहाँ पर जो भी पार्टी का नाम है, जैसे यहाँ पर मैं पार्टी का नाम कर देता हूँ रितेश, ठीक है। और ये क्रेडिटर पार्टी है यहां पर आकर के, और यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप चूज करना होता है। तो ये ग्रुप चूज कर लिया और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं हम, और एक्सेप्ट करा करके इस तरीके से फिर एंटर करके फिर एंटर करके एंटर करके सप्लायर का यहाँ पे डिटेल हम दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है यहां पर आएंगे और फिर यहाँ परचेज का लेजर आ जाता है, और यहां पर स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको अल्ट सी करना है। देखिए फिर वही विंडो ओपन हो जाएगी स्टॉक आइटम वाली, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि आप स्टॉक आइटम ऐसे भी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सब काम आप नहीं कर सकते तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सीधा सीधा प्रेस करना है। यहां पर सीधा कहां चले जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पर। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे तो यहां मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल स्टॉक आइटम भी आप बना सकते हैं। कैसे, यहां पर आइए, ये नीचे आए स्टॉक आइटम पर आ जाइए। अब जैसे ही स्टॉक आइटम पर आते हैं तो ये देखिए पहले से मैंने बना रखा है, अगर आप चाहते हैं बनाना तो यहां पर देखिए नीचे दिया गया मल्टी मास्टर, और यहां पर नीचे एक लाइन सी बनी हुई है एच के नीचे। तो इसका मतलब है कि ये बटन आपको अल्ट के साथ दबाना है, तो अल्ट के साथ क्या दबाना है, एच दबाना है। तो जैसे ही आएंगे तो यहां देखिए मल्टी क्रिएट ऑप्शन आ जाता है, और जैसे ही एंटर करते हैं तो यहां पर चूज कर लीजिए। जैसे आपके पास अगर आप किराना शॉप है आपकी, तो आप बहुत सारे सामान सेल करते होंगे, तो ऐसे में मान लीजिए कि आटा अलग अलग तरीके का आता है, अलग अलग कंपनियों का आता है। तो एक तो ग्रुप बना लीजिए फ्लोर का, ठीक है। यहां पर ऊपर अंडर ग्रुप कर दीजिए, तो यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं फ्लोर का, ठीक है। या फिर ग्रोसरी का ग्रुप बना सकते हैं, ग्रोसरी में ग्रोसरी वाले आइटम डाल दीजिए, और एक बार में बहुत सारे स्टॉक आइटम आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ऑल आइटम रखा हुआ है, तो यहाँ पर राजधानी बेसन कर देता हूँ, बेसन की कैटेगरी है, कंपनी है राजधानी बेसन, तो यहाँ पे लिख दिया राजधानी बेसन, ठीक है। एंटर किया और यहाँ पर ये देखिए ग्रुप बनाया नहीं अभी, तो यहाँ पर मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ बेसन का। तो ये बेसन लिख दिया हमने, एंटर किया और इसे प्राइमरी में ही रखेंगे, एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे, तो अब ये बेसन के उसमें चला जाएगा, ठीक है। और ये बिकेगा तो किसमें, आवर्स में तो बिकेगा नहीं, किलोग्राम में ही बिकेगा। तो यहाँ किलो कर दिया, और ओपनिंग कितने से किया, 50 किलो से, ठीक है। और रेट यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि कितने का रेट रहा, तो यहाँ पे हम खरीद रेट सेट करते हैं 80 का। तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा, तो दूसरे के लिए आपको अल्ट सी करने की जरूरत नहीं, यहीं पर आप बना सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे डेली का बेसन, डेली एक कंपनी आती है बेसन की, और यहाँ पर ये बेसन के ग्रुप में इसे डाल देंगे और यहाँ किलो ही रहेगा, और ये 100 किलो मंगा लिया, तो ये इस तरीके से। और इसका रेट रहा 74 रुपए, तो यहाँ पर जो भी रेट रहेगा वो डालते जाएंगे। और इस तरीके से भी आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं टैली प्राइम में, चाहे ERP 9 में हो चाहे प्राइम में हो, बस जरा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, हो गया। तो अब देखिए अब एक और कैटेगरी बन गई जिसमें एक डेली का बेसन और राजधानी का बेसन यहाँ पे दोनों आ गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई।